हेलो फ्रेंड, सालनी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोहणे के पत्ते की सरसों मिर्ची वाली सब्जी। इसे हम बेसन में लपेट के अच्छी तरह से बनाएंगे। अब हम चलते हैं बेसन का पेस्ट तैयार करने। छोटी कटोरी से 2 कटोरी जैसा इसमें मैंने बेसन डाला है और 1 कलछी जैसा मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच जैसा लहसुन का पेस्ट डाला और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर डाला। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए बेसन का हम कितना अच्छा तरह से पेस्ट बना दिए हैं। ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। धोए हुए पत्तियों को हम एक थाली में रखेंगे और उसके ऊपर बेसन का लेप लगाएंगे। चारों तरफ से पत्तियों के ऊपर बेसन का लेप लगाना है। इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे। दो तीन लेयर लगाकर हम इसे अच्छी तरह से पैक कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने बेसन के लेप लगाकर कितने अच्छी तरह से सारी पत्तियों को पैक कर लिया है। अब हम इसे बेसन का पेस्ट में अच्छी तरह से डुबो लेंगे। पैक किए हुए सारे कोहणे के पत्ते को हम बेसन में लपेट लेंगे। तेल को मैं पहले से गरम कर ली हूँ। अब हम डाल लेंगे। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से तल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी सीज जाए और ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। देखिए ये दोनों साइड से कितना अच्छा तरह से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। 3 से 4 चम्मच जैसा सरसों का तेल डालकर गरम कर लिए हैं। अब हम इसमें तड़के के लिए पचफोरना डालेंगे। तड़का चटकने लगा है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने 2 चम्मच जैसा सरसों का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच जैसा लहसुन का पेस्ट है। इन सारे मसालों को हम पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे और डाल लेंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना हो। मसालों में से तेल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1/2 गिलास जैसा पानी डाल लेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लेंगे। ग्रेवी अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कोहणे के पत्ते को डाल लेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। लाजवाब कोहणे की पत्ते की सब्जी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। कोहणे के पत्ते की सब्जी की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।